राहुल जल्दी तैयार हो बेटा, तुम्हें देर हो जाएगी। आज एग्जाम का पहला दिन है, दही चीनी खा कर जाओ, सब शुभ होगा। दुनिया कहां से कहां चली गई है और मेरी मम्मी को आज भी लगता है कि दही चीनी खाकर जाने से सारे कार्य शुभ होते हैं। अच्छा मम्मा, अगर मैं दही खाकर नहीं जाऊंगा तो मैं कैसा चूज फेल हो जाऊंगा? देखो अभी बहस करने का समय नहीं है, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली होगी, इसे खाओ और अच्छे से एग्जाम दो। फेल होने के लिए सारा साल मेहनत की है क्या? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ मम्मा, सारा साल मेहनत मैंने की और सारा क्रेडिट दही चीनी को जाएगा, घोर नाइंसाफी है मम्मा। ठीक है, बहुत नाइंसाफी हो रही है, अब जाओ, शाम को बात करेंगे। ओके बाय मम्मा। और राहुल, पेपर कैसा हुआ? मम्मी ने दही चीनी खिलाकर भेजा था, इसलिए अच्छा हुआ। मजाक उड़ा लो मम्मी का, हम लोग बचपन से ही सुनते और करते चले आए हैं कि दही चीनी खाकर घर से निकलो तो सारे काम शुभ होते हैं। आपकी जनरेशन के साथ यही प्रॉब्लम है मम्मी, जो देखा जो सुना उसे मानने लगे, आप लोग कोई लॉजिक देखते ही नहीं हो। लॉजिक है, हमारी मान्यताएं किसी ना किसी आधार पर टिकी हुई है, हमारे पुरखे यूं ही किसी बात को नहीं मान लेते थे। एग्जाम और इंटरव्यू के स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में बहुत से केमिकल्स बनते हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर और टेंशन बढ़ता है। इनकी वजह से हमें घबराहट, तनाव और पेट में जलन होने लगती है। दही की तासीर ठंडी होती है और इससे उन केमिकल्स को निकलने में मदद मिलती है। इसके अलावा दही पेट की जलन को भी खत्म करता है और जब हमारा दिल और दिमाग शांत होता है तो हम बेहतर तरीके से काम में मन लगा पाते हैं और अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। तासीर मतलब गुड प्रॉपर्टीज। अच्छा तो चीनी मिलाने से क्या होता है? चीनी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और दही में मिलाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और हम ज्यादा काम कर पाते हैं। ये तो पूरा साइंस है, लेकिन शुभ अशुभ का क्या? शुभ मतलब अच्छा, इतने फायदे हैं तो अच्छा नहीं हुआ। हमारे ऋषि मुनि भी कम वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने जो कहा और जो हमारी मान्यताएं हैं उनके पीछे बहुत हद तक विज्ञान ही है। सभी लोग इनका नियमित रूप से पालन करें, इसलिए इन्हें धर्म से जोड़ दिया गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म और मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक आधार है? सबके पीछे तो मैं नहीं जानता, पर बहुत हद तक है। पापा कोई और एग्जांपल? जैसे हमारी पूजा विधि, पूजा के दौरान हम पद्मासन में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं, ये सब योग ही हैं और योग के फायदे हम सब जानते हैं, तो पूजा भी हो गई और योग भी। बात तो सही है, इस तरह से तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अब हिंदुओं की पूजा पद्धति ही देख लो, शंख फूंकते हैं और आरती के समय ताली बजाते हैं। शंख फूंकने से लंग कैपेसिटी बढ़ती है और ताली बजाने से एक्यूप्रेशर हो जाता है। पापा आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारा धर्म बाकी धर्मों से ज्यादा विज्ञान आधारित है। ऐसा नहीं है, अब किसी नमाजी को नमाज पढ़ते हुए देखो, वह कितनी बार उठते हैं, बैठते हैं, आगे झुकते हैं, तो हो गया ना उनका व्यायाम और योग। दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सोचो कितना फायदेमंद है। इबादत से मानसिक सुकून भी मिलता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहते हैं। आपके समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है पापा, आप किसी भी बात को अलग नजरिए से देखते हैं। अच्छा पापा, कल मेरा पेपर है, उसके बाद फिर नई बातों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अपने धर्म के बारे में अधूरी जानकारी रखने से हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और हाँ, अब मैं दही चीनी दूं तो बिना चू चपड़ किए खा लेना। अब तो खाऊंगा ही मम्मी, पापा ने इतने फायदे जो बता दिए हैं।